नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे और लाखों लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के चलते दम तोड़ दिया था। खैर, जिन लोगों की जान गई उसका दुख तो उनके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन आगरा के पारस हॉस्पिटल के संचालक का वीडियो अगर आप देख लेंगे और सुन लेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतना सब देखने के बाद भी लोगों में इंसानियत जिंदा नहीं है। वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक क्या कह रहे हैं ये आगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल वीडियो में अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन कहते सुनाई देते हैं कि मरीजों की छटनी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई थी। ड्रिल के तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई को बाधित किया गया। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो सर भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। तामीरदारों से कुछ लोग उसमें सब्जी सबसे बड़ा प्रयोग यही सबसे बड़ा प्रयोग। सुना आपने कितनी बेबाकी से संचालक मरीजों की छटनी करने की बात कह रहे हैं। हालांकि खबरें चलने लगी कि अस्पताल की मॉक ड्रिल की वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई। मामला गरमाया तो आगरा के डीएम और सीएमओ ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कह दी। लेकिन क्या सिर्फ जांच के आदेश दे देने से जो लोग इस दुनिया से चले गए वो वापस आ जाएंगे क्या? पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन की आवाज वाले 4 वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं। इनमें डॉक्टर अरिंजय का चेहरा तो नहीं दिख रहा लेकिन उनकी आवाज जरूर सुनाई दे रही है। कुछ लोग उनसे दोस्ताना लहजे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर किस्सा सुना रहे हैं। इस बातचीत के 2 वीडियो काफी सनसनीखेज हैं। इनमें ये दावा करते हुए डॉक्टर दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को छांटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। उस वक्त अस्पताल में 96 कोरोना मरीज भर्ती थे जिनमें से 74 बचे। ये 26 अप्रैल 2021 का दिन था। तब आगरा में कोरोना संक्रमण का पीक चल रहा था। हालांकि उस दिन हॉस्पिटल में ऑफिशियली सिर्फ 3 लोगों की मौत दिखाई गई। फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए, अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म। और 304 लिखवाएंगे, पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, कुछ लोगों की रिप्लाई संजय चक्रवर्ती वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग। 5 सिलेंडर हमने, 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई। मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंटर वगैरह कम से बोला। अभी तो शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। गोपाल गोपाल जहाँ से मिले मिला लो यार, कम तो होगा। कितने पैसे चाहिए, सोने के भाव बोल दो यार। जे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो। सोने के भाव नीचे जी बढ़ रहे, सोने का भाव लगा लो, टैंकर बताओ ऑक्सीजन का लगा खड़ा करो, कैसे ही मिलता हो। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राइव हो गया। खैर, मौत का आंकड़ा कम दिखाने का रिवाज तो बहुत पुराना है। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी अस्पताल में मौत का आंकड़ा कम दिखाया गया हो। अक्सर यही होता है कि आंकड़ों में हमेशा हेरा फेरी की जाती है और इसका जीता जागता उदाहरण पारस अस्पताल ही है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान भी पारस हॉस्पिटल खासी चर्चा में रहा था। अस्पताल पर महामारी फैलाने का आरोप लगा था। डॉक्टरों और मैनेजर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत
मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब इन वीडियोस के सामने आने के बाद देखने वाली बात ये होगी कि आप पूरे मामले की सच्चाई कब तक सामने आती है, या फिर हर बार की ही तरह ये मामला भी इधर उधर कर दिया जाएगा और जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।